राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किए जाने को लेकर एजी और कॉलेज के प्रधानाचार्य से हुआ विचार विमर्श। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक। नगर विधायक रितेश गुप्ता ने मंगलवार को शहर के वार्ड 43 की भोलानाथ कॉलोनी में किया दौरा। कॉलोनी में नाव से पहुंचकर जाना क्षेत्रवासियों का हाल। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 के संबंध में ग्राम पंचायत वार नियुक्त नोडल अधिकारियों से फीडबैक प्राप्त किए जाने को एक बैठक संपन्न। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई बैठक। गांधीनगर पब्लिक स्कूल में एक दर्जन बच्चों को फीस न जमा होने पर उन्हें किया गया परीक्षा से वंचित। साथ ही सभी बच्चों को किया गया एक कमरे में बंद। पुरानी पेंशन बहाली मंच के तत्वावधान में शिक्षा भवन में कर्मचारियों की जन जागरण हेतु गेट मीटिंग का हुआ आयोजन। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 9 अगस्त को होने वाले धरना प्रदर्शन की तैयारी की भी की गई रणनीति तैयार। मंगलवार की रात स्वतंत्रता सेनानी भवन में सांस्कृतिक समिति द्वारा याद रफी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुंडा पांडे ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक एडवोकेट रहे मौजूद। दयानंद डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित। इस कार्यशाला का उद्घाटन कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर पूनम गुप्ता ने किया। दिल्ली रोड स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल में सड़क सुरक्षा पर एक कार्यशाला का हुआ आयोजन। इस कार्यशाला में छात्र व छात्राओं को सड़क नियमों से कराया गया अवगत। मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में एक ही रात में अलग अलग स्थानों पर चोरों ने 3 घरों में दिया चोरी की घटनाओं को अंजाम। पुलिस ने मौके का मुआयना कर फरार चोरों की शुरू की है तलाश। 2 महीने पहले दफनाई गई बिजली पेटी ठेकेदार की लाश को मुंडा पांडे पुलिस ने उपजिलाधिकारी मुरादाबाद की मौजूदगी में कब्रिस्तान से निकलवाया। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आईजी जोन विनोद कुमार सिंह के आदेश पर हुआ शव का पोस्टमार्टम। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के सामने नशे की हालत में पड़े एक युवक को ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी व होमगार्ड ने नहीं की उठाने की जहमत। इस हरकत ने पुलिस की कार्यशैली पर खड़ा किया सवालिया निशान। टीएमयू के सीसीएसआईटी विभाग में चल रही एफडीपी का हुआ समापन। इस प्रोग्राम के अंत में प्रशिक्षार्थियों को प्रशस्ति पत्र से भी किया गया सम्मानित। गंज सब्जी मंडी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर आर्ट एंड फैशन डिजाइनिंग में पेपर से निर्मित ड्रेसेस का हुआ फैशन शो। छात्राओं ने पेपर से निर्मित परिधानों को विशेष तरह से फैशन शो में किया प्रदर्शित। आज की स्पीड न्यूज में इतना ही और आप बने रहिए डेली न्यूज पर।